तो गाइस आज थोड़ा थक गए, थोड़ा क्या बहुत ही थक गए थे, क्योंकि अभी कैंप्ट पूल से हम आए थे 3 बजे, 12 बजे गए थे, 3 बजे आए, नहा धो के इतना एंजॉय किया आज हमने। क्राउड थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि आज सैटरडे था, बहुत क्राउड था। यूपी और दिल्ली के बंदे भर भर के आए थे, गाड़ियाँ पता नहीं वेले हैं शायद, यूपी और दिल्ली के बंदे इतने। तो अभी बज रहे हैं 8, उसके बाद 3 बजे के आने के बाद हमने रोटी खाई, फिर हम सो गए थे। तो अभी हम उठे थे 6:30 बजे, तो 6:30 बजे के उठे हुए हैं। तो अभी थोड़ा बैठे हैं रूम पे, फास्ट फूड वगैरह खाया है, वो तो छोटे भाई ने उपका लगा रखा है, तो लेना चाहेंगे उपका, दिखा दूंगा आप। गाइस मैं नहीं पीता, मेरा भाई पीता है, पहाड़ों के बीच में हुक्का पीने का अलग ही नज़ारा ले रहा है, वो फीलिंग ले रहा है भाई मेरा। तो ये हम अभी कैंपटी फॉल के बिल्कुल सामने ही है, इसके नीचे कैंपटी फॉल है, इसके नीचे बिल्कुल इसके नीचे। तो अभी रात हो चुकी है, 8 बज चुके हैं। हेलो गाइस, हुक्का पी लो मसूरी की वादियों में। गाइस अभी बज रहे हैं 9:45, तो हम नीचे उतर रहे हैं रूम से, देखते हैं कुछ खाने पीने का जुगाड़ करते हैं, क्योंकि दोपहर को हमने पास्ता प्लस पिज्ज़ा खाया था, तो उससे पेट तो भरा नहीं था लेकिन नींद आ गई थी खा के। तो अब थोड़ा हेल्थी खाना सोच रहे, क्योंकि सुबह हमको फिर 4 बजे उठना है, क्योंकि 4 बजे हमको निकलना है जॉर्ज एवरेस्ट के लिए। वो थोड़ा हाइट पे है, 18 किलोमीटर है यहाँ से कैंपटी फॉल से, तो हम वहाँ जाएंगे, हाइस्ट पीक है वो मसूरी की, तो वहाँ जाके थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप नीचे उतर रहे हैं, हम देखते हैं कुछ खाने पीने का जुगाड़ मिलता है। तो ये है यहाँ की कैंपटी फॉल की मार्केट, ये देखिए है क्या, आलू के पराठे, आलू के पराठे बोलो क्या, आलू के पराठे चाय, आलू के पराठे दही, हमारा नंबर तो इन भैया के पास रुके हम फैमिली रेस्टोरेंट में, नीचे होटल है तो ऊपर मतलब नीचे रेस्टोरेंट और ऊपर होटल है, 4 स्टोरी, और ये मार्केट है पूरी कैंपटी फॉल की, ये देख सकते हैं। तो ये भैया का होटल है, यहाँ पे 4 स्टोरी है पूरा, और इसके सामने बिल्कुल हमने लगाई है अपनी बाइक डुगडुगी, देरी हमारी डुगडुगी ये लगी पड़ी है बेचारी की, ऐसी तैसी हो गई क्योंकि बहुत चली है। एक मेरा 80 किलो वेट और एक मेरे भाई का वेट, उसका भी 90 का राउंड, 90-95 का राउंड है, ऊपर से प्लस बैग 30-35 किलो का, किलो का बैग हमारा। तो नाना करते भी इसने आज 200 किलो तक वजन उठाया था अपने ऊपर, 200 किलो वजन उठा के इसने 300 किलोमीटर की राइडिंग की है, वो तो शुक्र है मैंने इसकी सर्विस वगैरह पूरी ओके करा ली थी, ब्रेकें वेकें टाइट करवा ली थी, क्योंकि मंसूरी के जो पहाड़ हैं वो सबसे अलग है यहाँ से, क्योंकि एकदम खड़े पहाड़ हैं इनके, तो बाइक जब उतरती है तो इतनी स्पीड में होती है मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये मार्केट है, अब यहाँ पे थोड़ा डिनर वगैरह करेंगे तो फिर जाके सोएंगे, थके हुए हैं तो सुबह निकलेंगे हम जोर स्पीक के लिए। क्या कह रहा है, पराठे खाएगा रहा, पराठे खाते आए भी है, नींद भी आ जाएगी, चल आगे देख कर आते कुछ है। पराठे और चाय पी लेते हैं ना, सो भी सही थे वहां पे मैगी पॉइंट पे, पराठे अच्छे थे उसके, सही दिया ना 45 रुपए का परांठा था, हाँ मक्खन साथ में, मक्खन साथ में, और चाय भी टेस्टी थी। तो भाई सुबह जब हम मंसूरी चढ़ रहे थे तो हमने एक मैगी पॉइंट है, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो वहाँ हमने पराठे खाए थे, बहुत ही अच्छे मिले थे हमको पराठे, टेस्टी थे। तो ये पूरे रेस्टोरेंट से खाने पीने के कैंपटी फॉल के।
अभी जा रहे हैं, जल्दी सो जाएंगे, जल्दी उठेंगे ना सुबह तभी घूम पाएंगे। तो आगे कुछ खास है नहीं, बस ये था कि ये लास्ट जेएस प्योर वेजिटेरियन, उसके बाद हम निकलते हैं वापसी, देखते हैं ऊपर पहाड़ है ऊपर। हाँ ऐसा कर ले, ऊपर ही मुड़ा बंदे भी सही हैं यार कमरे वाले ना। हाँ तो चिपचिप गंदा बंदा ये मंसूरी की पहाड़ियाँ, क्वीन ऑफ हिल्स, इट्स मंसूरी। तो चलते हैं ऊपर कमरे में बैठते हैं, वहीं भी आएगा बंदा हमारा खाने पीने का। हरियाणा से हो? हरियाणा के हो गए? हाँ जी सर, हरियाणा के भीते ज्यादातर कब आए हो? अभी आए हैं, अभी थोड़ी देर। अभी रोटी खा रहे थे। अच्छा वैसे कहाँ से भाई? हम दिल्ली से। दिल्ली से ही रहा। हमारा डिनर आ चुका है गाइस, तो अभी हम डिनर करेंगे, आलू के पराठे प्लस चाय और चार। लगाया वो ऊपर मक्खन। तो गाइस अभी हम बैठे थे अपने होटल पे, हमारे कुछ भाई मिल गए हमारे को। ब्लॉगिंग तो ये भाई मिल गए हमारे हरियाणा के, बैठे थे साथ, हुक्का हुक्का खा लिया। वो पहले हम इनके होटल में जा रहे थे, इनका होटल वाला कुत्ता था एक नंबर का। तो आपको मैं होटल दिखा दूँ, कभी भी आए आप कैंपटी फॉल तो इसके होटल में ना रुके, सबसे गंदा होटल है, सबसे गंदा। तो मैं होटल दिखाता हूँ आपको पहले, इसका होटल है इसका आदर्श रात्रि विश्राम, ये बिल्कुल कैंपटी फॉल के पास है, उसमें कभी ना रुके, ये वाले होटल में रुके। तो ये हमारे भाई मिल गया हमारे को हरियाणा के, तो हुक्का हुक्का लगा लिया, तो पी रहे हैं। तो बात ये हुई थी कि हम इनके होटल में जा रहे थे, तो इसने मना कर दिया हमारे को जाने से, कह रहा कि ऐसे अलाउड नहीं है, तुम हमारे होटल में नहीं जा सकते हुक्का हुक्का पीने। तो इनको फिर हमने अपने होटल में बुला लिया भाइयों को, तो अब यहाँ पी रहे हैं। तो गाइस ये होटल में कभी ना आए, देखा होगा आपने ये हमारे को, हमारे थोड़े मित्र भाई मिल गए थे हरियाणा के, तो उनका मैसेज जम गई थोड़ी। तो भी टाइम देख सकते हैं आप, टाइम पौने ग्यारह हो रहे हैं। तो अभी हम अपने रूम पे आए ऊपर, क्योंकि नीचे हुक्का पी रहे थे उनके साथ में, मैं नहीं पी रहा था, भाई पी रहे थे सारे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हमारा डे टू है मंसूरी में, तो अब हम 7 बजे रहे निकल रहे हैं, तो यहाँ से जाते हुए देखेंगे भट्टा फुल निकलेंगे, फिर उसके बाद सीधा ऋषिकेश। तो भट्टा फुल का व्लॉग बनाएंगे, रोप वे वगैरह करेंगे, वाटरफॉल दिखाएंगे, उसके बाद सीधा ऋषिकेश निकलेंगे राफ्टिंग के लिए। सुबह हो चुकी है, 7 बजे हैं, तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। देखिए यहाँ का नज़ारा सुबह का, हम भट्टा फॉल तो पहुंच गए, लेकिन मेरे को लग रहा है रोप वे अभी बंद है। ये देखिए वो रोप वे टू भट्टा फॉल्स, रोप वे तो अभी यहीं खड़ी हुई है, और मेरे को लग रहा है बंद भी है, तो अभी टाइम कुछ हो रहा है। सात तरह 8:45 तो मैं भी बंद पता नहीं क्यों है, ऊपर से देखता हूँ एक बार ही। तो ये मिटुक डुकी हम वापस जा रहे हैं नीचे ऋषिकेश की ओर, अभी बंद पता नहीं क्यों हुआ,
एक बार यहाँ से देखते हैं हम। भाई बंदा है बंदे के बंदा आ गए आपके गली में, 2 बजे शहर बाजार में लेकर आ गए। तो गाइस बट्टा फूल तो 9 बजे खुलेगा, तो हमारे पास टाइम है नहीं, तो हम रुकना भी नहीं चाहेंगे यहाँ पे, तो हम सीधा ऋषिकेश के लिए निकलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ रुके तो ऋषिकेश नहीं घूमेंगे, और ऋषिकेश मेरे को मेन एक्सप्लोर करना है, क्योंकि ऋषिकेश में मज़ा है, जो भी मज़ा है यहाँ तो कुछ है नहीं खास, इतना बट्टा फॉल्स में बस झरना है, उसके बीच में बैठ जाओ तो ऐसा कुछ खास नहीं है। तो मैं सीधा ऋषिकेश निकलूँगा बट्टा फॉल की ओर, क्योंकि वहीं असली मज़ा है। तो मैं एक बार यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ नज़ारा, अगर दिख जाता है तो। ऐसा कुछ इतना खास नहीं है बट्टा फॉल्स में, बस एक वाटरफॉल है और उसमें उन्होंने रेस्टोरेंट वालों ने कुछ सीटिंग अरेंजमेंट्स कर रखा है, और एक पार्क है जिसमें कि उनका आई लव मंसूरी लिखा हुआ है। मतलब 2-3 चीज़ है फोटोग्राफी के लिए अच्छी, बाकी तो और कुछ है नहीं इतना खास। मैं भी आपको दिख जाए यहाँ से, या मेरे को दिख जाए देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ से चल के देखते हैं नीचे एक बार। ये कह रहे 9 बजे खुलेगा, क्योंकि 9 से 8 खुलता है, और 9 बजे मुझे ऋषिकेश पहुँचना है, क्योंकि मैंने राफ्टिंग वाले से स्लॉट ले रखा 9 बजे का। तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे रुकना नहीं चाहूँगा बट्टा फॉल्स में, तो नीचे चल के एक बार देख लेते हैं अगर दिखता है व्यू तो। नहीं है गाइस, चलिए ऊपर ही चलते हैं, वहाँ पे यहाँ से चढ़ते हैं हम। तो 9 बजे खुलता है बट्टा शैट, कूदना पड़ेगा यहाँ से। बाकी नज़ारा तो यहाँ से बहुत प्यारा है, देख सकते हैं मसूरी का पूरा नज़ारा। आज संडे है तो राइडर्स आ रहे हैं ऊपर देहरादून के, यूके के। चलिए अब निकलते हैं ऋषिकेश की ओर।